क्या मैं कोरोना से मर जाऊंगा? ऐसे काफी सारे फोन कॉल्स मुझे आते हैं, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। अभी जो इंफॉर्मेशन आपके ऊपर आके बहुत फ्लड हो रही है, बहुत ज्यादा सब तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज आ रही, खबरें आ रही है, उसमें लोगों को काफी सारा डर बैठा हुआ है। एक डर ऐसा है कि मैं क्या बीमार पड़ जाऊंगा तो कोई बीमारी मुझे आ जाएंगी और उसमें कोरोना मुझे हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है, या कोई और बड़ी बीमारी अटैक आ जाएगा, या और कुछ प्रॉब्लम मुझे आ जाएगा, मुझे कुछ तो भी हो जाएगा, और उसमें लोगों को फिर पैनिक अटैक आता है, डर लगता है, घबराहट, बेचैनी, हाथ कांपना, पसीना आना, ऐसा लगता है और घबरा जाते हैं। नंबर दो, लोगों को फाइनेंशियल लॉस का भी बहुत डर लग रहा है और उसमें मर जाएंगे, मतलब सुसाइड करने पड़ेंगे क्या, इतना लॉस हो चुका है, कैसा भर के निकालेंगे। कुछ लोगों ने सुसाइड भी की हुई है, तो वो एक है। तीसरा है, लोगों को लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, मैं डायग्नोस हो गया तो मुझे आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन कर डालेंगे, फिर 14 दिन लोग मुझे, मतलब मेरे पास में आएंगे मैं नहीं, मेरे को आइसोलेट करेंगे, तो उसमें फिर कैसा होगा, इसलिए फिर वो एक डर लोगों को लग रहा है। और समझो मैं मर गया तो मेरी डेड बॉडी कोई लेके जाएगा, उसको हाथ लगाएंगा क्या, मेरे को कोरोना हो गया तो मेरे पास में कोई आएगा कि नहीं आएगा, उसमें कुछ मुझे चाय पानी लगा तो कोई देगा कि नहीं, मेरे अपने लोग मेरे से दूर हो जाएंगे क्या, ऐसा लोगों को डर लग रहा है। और फिर कुछ कफ बुखार, मतलब खांसी बुखार आता है तो लोगों को लगने लगता है कि अपने को कोरोना हो गया क्या। तो ऐसे सब डर के वातावरण में सब लोग हैं। अभी इसमें क्या किया जाए? नंबर एक, लोगों के साथ में कनेक्टेड रहो, ये एक्नॉलेज करो कि सभी को ये डर है और सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए और सबको डर है, तो शेयर करो, उसके बारे में बातचीत करो, लोगों को बोलो, तो आपका डर कम हो जाएगा। नंबर दो, आपका दिन जो है ना वो पूरा प्लान करो, स्ट्रक्चर करो, और अपने आप को खाली मत रखो, एक एक घंटे का प्लान बनाओ आप क्या करने वाले हैं, और फिर वो हिसाब से प्लानिंग करके वो दिन अपना बिताओ। इसमें कुछ तो भी आप नया सीख रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे हैं, कोई भाषा सीख रहे हैं, कोई कंप्यूटर का कोई एप्लीकेशन सीख रहे हैं, या ऐसा कुछ नया गेम सीख रहे हैं, कुछ भी नया आप कर सकते हैं, जो आपने कुकिंग है या पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो आपने कभी किया नहीं था और आपकी इच्छा थी, या कोई किताबें पढ़ रहे हैं, कोई किसकी लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं लोगों की, जो भी करना है कर सकते हैं। नंबर तीन, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ से, मतलब वो फॉलो करो, वहाँ से अपना जीवन बिताना चालू रखो। जैसा बोला है कि भाई मास्क पहनो, हाथ धोना है बार बार, या लोगों के पास में जाने का नहीं है, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखने का है, कपड़े बाहर से आते हैं या संपर्क में किसी के आते हैं तो कपड़े निकाल के रखो, उसको अच्छा धोने का है, तो ऐसी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस और जो केयर लेना है वो केयर ले लो। तो नंबर चार, लिमिट करो जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के ऊपर आ रही है, खबरें जो आ रही है उसको लिमिट करो, कट करो, वो खबरें आती है तो फिर उसके ऊपर नजर बार बार जाती है और घबराहट पैदा होती है। तो नंबर पांच, घर के बाहर निकलो, आंगन में जाओ, सूर्य प्रकाश जो है सनलाइट उसको अपने आंग पे लो, फ्रेश एयर लो, थोड़ा सा जॉगिंग करो घर के, घर में पॉसिबल है तो, या टेरेस पे जाओ, घर के आंगन होगा तो आंगन में जाओ, जहां भी संभव है वहां जाके थोड़ा जॉगिंग वगैरह करो, फ्रेश एयर में जाओ, तो उससे आपको काफी सारा अच्छा लगेगा। तो ये आप जो है ये इसका फॉलो करते हैं तो डर तो लगता ही है, फियर है, कोरोना का फियर है, मगर उसको एक्नॉलेज करना है, डर के साथ में रहना है, और सब तरह की प्रिकॉशन लिया तो कुछ होने वाला है नहीं। कोरोना हुआ इसका मतलब मर जाएंगे ऐसा नहीं है, कोरोना होने के बाद में भी 80% लोग एकदम कम उनको लक्षण है, मतलब बहुत ही कम है, माइल्ड लक्षण है उनको 80% लोगों को, 20% लोगों को ज़्यादा लक्षण है, और उसमें भी डेथ उनकी होती है कि जिनको कुछ तो भी प्रॉब्लम्स है और जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, और उम्र 65-70 है, तो वो ज़्यादा मौत लोगों की हो रही है वो उम्र में। जैसे डरने का कोई वैसा कारण नहीं है, आप इस तरह से फॉलो करते अपना रूटीन तो डेफिनेटली आप अच्छा जीवन बिता सकेंगे, जब तक आप घर में हैं तब तक, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।